एक तरफ भारत बंद का आह्वान, दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच घमासान छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर यह बयान जारी कर सनसनीखेज आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है। सौरभ भारद्वाज का यह आरोप है कि इस वक्त केजरीवाल से ना कोई मिल सकता है ना वो बाहर आ सकते हैं। सौरभ भारद्वाज का यह भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक जब केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पीटा। तो बेहद गंभीर आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हालांकि इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। तो आपको बता दें, कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, जो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों के साथ आधा घंटा उन्होंने बिताया और ये कहा था कि वो एक सेवादार के तौर पर वहां पर आए हैं, व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाए कि किसानों की आपको सुननी चाहिए, किसानों के साथ ठीक नहीं हो रहा, जिस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। और आज की तस्वीर ये है जब आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नजरबंद किया गया है। आज मुख्यमंत्री को लगभग हाउस अरेस्ट किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि किसानों का ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा का पूरा देश बंद है, इसको कमजोर किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि जो किसान है अकेले, इनके साथ कोई नहीं खड़ा। आज मुख्यमंत्री को लगभग हाउस अरेस्ट किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि किसानों का ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा का पूरा देश बंद है, इसको कमजोर किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि जो किसान है अकेले, इनके साथ कोई नहीं खड़ा। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता, इस वक्त आप दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, ये जो आरोप सौरभ भारद्वाज लगा रहे हैं कि केजरीवाल को नजरबंद किया गया है, आप समर्थकों को पीटा गया है, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है और बीजेपी के जो नेता है वो वहां पर बैठे हुए हैं। केजरीवाल को नजरबंद करने की ये साजिश रची गई है ताकि वो बाहर आकर किसानों के सपोर्ट में ना बोल सके। आम आदमी पार्टी के इस वक्त वॉलंटियर्स और पुलिस के बीच से काफी झड़प हो रही है। ये आईटीओ की तरफ ये वॉलंटियर्स जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस से वहां की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी अच्छे से बैरिकेडिंग करके बहुत सारा पुलिस बल तैनात करके यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और आईटीओ 32 से थोड़ा सा बिल्कुल पहले ही, और यहाँ पर काफी हाथापाई भी हुई है। वॉलंटियर्स को पकड़ पकड़ के खींचते हुए बस की तरफ भी लेके जाया गया है। कुछ वॉलंटियर्स है जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके जैकेट वगैरह फाड़ दी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त तक भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। पुलिस से बात भी करें, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि धारा 144 यहाँ पर नहीं लगाई गई है अभी तक, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है, जो कोविड के नॉर्म्स है, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ये लोग बताइए किस आधार पर आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नजरबंद है, किस आधार पर कह रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है उनको कि नजरबंद है? देखिए वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के घर के बाहर जो पुलिस बल तैनात किया गया है और उनके घर के बाहर जो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनकी वजह से घर का दरवाजा पूरा बंद है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और कल जो आम आदमी पार्टी के एमएलए उनसे मिलने गए थे, उनको अंदर भी नहीं जाने दिया गया था। उन्होंने इनफैक्ट ये तक आरोप लगाया कि आज सुबह जो मेड्स है, जो सफाई करने जाते हैं उधर, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया और किसी को अंदर बाहर जाने की वहां पर इजाजत नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात का खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है, किसी को नजरबंद करने का कोई ऑर्डर नहीं पास किया गया और वहां पर जो बैरिकेडिंग है, जो पुलिस बल तैनात किया गया है केजरीवाल के घर के बाहर, वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वहां पे बीजेपी वर्कर्स का धरना चल रहा है ताकि कुछ अनहोनी घटना वहां पर ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के लीडर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है क्योंकि केजरीवाल ने कल वहां जा सिंघू बॉर्डर पे भी गए, इसलिए उनके वहां बॉर्डर पे जाते ही, वापस आते ही उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और उनको अंदर नजरबंद कर दिया गया है। अनीशा, ये जो अराजकता का माहौल इस वक्त हम देख पा रहे हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या धारा 144 लगाई जा सकती है जल्द? देखिए, अभी धारा 144 लगाई जा रही है या नहीं का तो हमें क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर डीसीपी साहब है संजय सर, उनसे हमने पूछा था अभी थोड़ी सी देर पहले कि क्या यहाँ पर धारा 144 लगी है। उस वक्त तो डीसीपी साहब का साफ जवाब था कि यहाँ पे धारा 144 नहीं लगाई गई है अभी,
लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो देखते हुए हो भी सकता, ऐसा किया जा सकता है ऑफ कोर्स, जो दिल्ली पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस किस तरह से आगे इस चीज को बढ़ाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं आम आदमी वॉलंटियर्स अब यहाँ जमीन पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ भी मैं अपने कैमरे पर्सन को पैन करके दिखाने को कहूंगी आपको, पुलिस बल जो है वो शांति से खड़े हो गए, उनको वॉलंटियर्स को बैठा रहने दिया गया है, पुलिस वाले अपने अपनी जगह पे रास्ता रोक के बस खड़े हैं। दूसरी तरफ भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो है वो नारे लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। किसान कानून, किसान जो फार्म लॉज जो है उनको लेकर भी यहाँ पर नारे लग रहे हैं, क्योंकि जो धरना इन लोगों ने आईटीओ पर देना था वो अब यहीं पर लेकर बैठ गए हैं किसान के जो भारत बंद है उसकी सपोर्ट में। तो अब आगे क्या होता है वो दिल्ली पुलिस को डिसाइड करना है। डीसीपी यहाँ पर है, पूरी निगरानी रखे हुए हैं, काफी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रोन भी घूम रहा है, मैं कैमरामैन को बोलूंगी, यहाँ पे ड्रोन भी घूम रहा है जिससे पूरी आंदोलन पे नजर रखी जा रही है। बसें पीछे खड़ी है कुछ, जिनमें वॉलंटियर्स को बिठा कर यहाँ से ले जाया गया है। तो अब आगे क्या होता है वो अभी देखना पड़ेगा। ये स्थिति जो है अभी बन रही है, यहाँ पे कुछ क्या होगा अगले आधे एक घंटे में वो देखना होगा।